दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छी होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 29 सितंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं, 9:19 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे। हूँ जाम में फंसा हूँ, यहाँ जाम लगा हुआ है थोड़ा सा, मतलब तीसरी बत्ती हुई है ग्रीन, अब जाके शायद निकल पाऊँ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही 6:30-6:15 के लगभग मैं निकला था। और निकल के मेरे पास जो बुकिंग आई थी, आपका पहली बुकिंग मेरे पास आ गई थी रोहिणी साइड की, तो रोहिणी साइड ड्रॉप किया। रोहिणी साइड के बाद फिर मेरे पास आ गई थी गंगाराम हॉस्पिटल की। तो गंगाराम हॉस्पिटल मैं सोचा यार वहाँ पर क्या है कि जाना फिर सुबह सुबह राइड्स मिलती नहीं है, तो मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा छोड़ दिया यार, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने लोकल एक 86 रुपये की दे रहा, मतलब रोहिणी रोहिणी की, तो मैंने उसे उठाई नहीं। मैंने कहा यार इसको छोड़ो, यहाँ से निकलना है रोहिणी साइड से बाहर। तो फिर मेरे पास दोबारा आई राजेंद्र नगर की बीएल कपूर हॉस्पिटल की। मैंने कहा यार अभी ये तीसरी बुकिंग होगी जो मुझे छोड़नी पड़ेगी, बट अब छोड़ो, जब ये दे ही रहा है, चाहता है उधर है जाने के लिए, मतलब उधर ही प्रेफर कर रहा है, तो फिर ले लो बुकिंग। तो मैंने फिर 175 रुपीज़ में ले ली थी बीएल कपूर छोड़ा। बीएल कपूर के बाद फिर दोस्तों मतलब आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर के चक्कर ही लगते हैं, और कहाँ कहाँ जाता हूँ, काफ़ी ट्रिप्स हो जाती है तो याद भी नहीं रहता। तो काफ़ी भाई बोलते भी हैं कि यार इतनी कहानी मत सुनाया करो, तो मैं थोड़ी बहुत जो 4-5 राइड की है वो ही बता देता हूँ। लास्ट स्टॉप में जो लेकर आया था वो विकासपुरी मैंने छोड़ा था, ठीक है, वो मैंने रमेश नगर से लिया था पिकअप, और विकासपुरी 6 किलोमीटर में मुझे दिए थे उसने 127 रुपये। तो अभी वहाँ से मैं आ रहा हूँ खाली। तो दोस्तों आज मैं एक अपडेट देने के लिए जल्दी से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपने देख ही दिया होगा थंबनेल में मैं क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऊबर का नया अपडेट आ गया है, और ये अपडेट हालांकि मेरे को 2 महीने पहले ही पता चल चुका था, तो मैं बट इस पर श्योर नहीं था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। बट अब पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी ये ऑप्शन इन्होंने डाल दिया है। क्या डाल दिया है, देखिए आपको जैसे कि पता है दोस्तों, जब से ये इन ड्राइव और ब्लू स्मार्ट टैक्सी आई है, तो इसने थोड़े देखिए ब्लू स्मार्ट के जो रेट है वो एकदम सही है, जायज़ है, जो ऊबर लेता है वही रेट है उसमें लेता है, ठीक है। बट ब्लू स्मार्ट में क्या होता है कि ब्लू स्मार्ट में आप एडवांस बुकिंग करके चलते हैं, तो आप सोचे कि करंटली सडनली मतलब गाड़ी मिल जाए, हायर हो जाए, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज में। आप अगर इन्होंने कर दिया हो वो कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी भी गाड़ियाँ बढ़ चुकी है मार्केट में हर जगह, मतलब आप चाहे स्टेशन चले जाओ, मतलब रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही है, एयरपोर्ट्स पे भी दिख रही है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है एयरपोर्ट्स और इन पे स्टेशन पे इनके भी स्टैंड्स बन जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों की तादाद बहुत हो गई है इनकी ब्लू स्मार्ट की। तो ब्लू स्मार्ट के कस्टमर काफ़ी ऊबर के कस्टमर शिफ्ट हुए हैं ब्लू स्मार्ट में। ऊबर से कस्टमर क्यों शिफ्ट हुए वो आपको भी रीज़न पता है, रीज़न वही है, एक तो इसमें 0 कैंसिलेशन है ब्लू स्मार्ट में, ठीक है, ऊपर से चार्ज वही है जो ऊबर में होते हैं। तो बंदे यही करते हैं, मोस्टली बंदे परेशान इसी वजह से हो जाते हैं कि ऊबर में राइड्स बड़ी कैंसिल होती है ड्राइवर की, ज़्यादातर तो ओला में होती है, बट उसके बाद फिर सेकंड नंबर जो आता है वो कैंसिलेशन में आपका ऊबर का आता है, तो जिसकी वजह से राइडर बहुत परेशान हो जाते थे। जिनको गुड़गांव जाना है उनका टाइम खराब होता था, ठीक है, और वो फ़ोन करके पूछते थे, ड्राइवर आ नहीं रहा होता, कोई ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मिली जुली रिएक्शन होते हैं दोस्तों। कई बार राइडर बड़े चलाक टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि ड्राइवर का जो एक्चुअल पेमेंट होती है उसमें से भी कंप्लेंट करके अपना फेयर निकाल लेते हैं। तो कुछ ड्राइवर भी ऐसे होते हैं जो राइडर को परेशान करते हैं, क्योंकि देखिए सारी की सारी इंसान अगर कैब बुक करता है तो कैब किस लिए बुक करता है, देखिए अपना टाइम सेव करने के लिए, तो उसका वही टाइम अगर ख़राब हो तो वो फिर निराश हो जाता है। निराश होने के बाद क्या होता है कि वो फिर दूसरे ऑप्शन में जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसमें स्विच होने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है कि ऊबर के काफ़ी जो कस्टमर्स हैं, जो राइडर्स हैं, वो स्विच हुए आपका ब्लू स्मार्ट टैक्सी में। गुड़गांव में मोस्टली मैं देख रहा हूँ, द्वारका रहता हूँ, तो द्वारका में जितने भी गुड़गांव वर्किंग है
ऊबर भी बुक करते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू स्मार्ट एक दिन पहले से ही बुक करके रख देते हैं, और उनको पता है कि मेरी वो राइड्स कैंसिल नहीं होनी, ड्राइवर आना ही आना है, ठीक है। हालांकि इसमें ऊबर काफ़ी चेंजेस कर रहा है, ठीक है, और काफ़ी उसने जो हमारे ड्राइवर भाई हैं इधर उधर भटक रहे थे उनको रोकने की कोशिश करी है। रोकने की कोशिश क्या करी है वो मैं आपको बताया था। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इन ड्राइव नाम की कंपनी आ रखी है मार्केट में, जिसने रेटों की तो ऐसी कम तैसी कर ही दी है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि काफ़ी जो उबर ओला के राइडर थे वो उसमें चले गए इन ड्राइव में, और ओला उबर के ही ड्राइवर काफ़ी इन ड्राइव से जुड़े हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने ये ज़ीरो कमीशन ले रहा था। 6 महीने बाद इसने 10% किया, 10% के बाद अभी ये 15% करेगा, 18 भी कर देगा, क्योंकि और स्टेट में पंजाब साइड में ये चीज़ कर रखी है इसने, ठीक है। अब रेटों का पूरा खेल इसने बिगाड़ दिया, जो रेट अच्छे खासे हम कमा लेते थे वो नहीं कमा पा रहे। अब क्या है कि देखिए, जब किसी कंपनी का लॉस होता है तो वो कोशिश करता है कि दोबारा से उसको सेटअप करे, थोड़ा सा प्राइस नीचे करे, या कुछ ऐसा करे कि जिसमें राइडर भी खुश हो और ड्राइवर भी खुश हो। तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड मार्केट में यही चल रहा है। देखिए दोस्तों, इन ड्राइव ने सिस्टम लाया कि एक स्क्रॉलिंग वाइज मतलब आपको डिवाइस में दिखाई देगी 10 तरीके की बुकिंग, ठीक है, 10-12 बुकिंग आपको लिस्ट वाइज आपके एरिया से लग जाएगी। 8-8 किलोमीटर दूर की बुकिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इन ड्राइव में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता था इन ड्राइव में कि हम बुकिंग्स ले, बट इन ड्राइव में देखिए बहुत सारी खामियां हैं अभी भी, उसको इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के बाद ही इनका सुधार हो सकता है, ठीक है। बट क्या है कि इन्होंने पूरे मार्केट का रेट बिगाड़ दिया, कस्टमर तोड़े हैं। तो जो कस्टमर टूटे हैं ऊबर्स के, जो इन ब्लू स्मार्ट टैक्सी में और जो इन ड्राइव में गए हैं, उसको ऊबर कोशिश कर रहा है वापस लाने की, और वापस लाने के लिए वो ट्रेंड क्या चला रहा है, तरीका वही अपना रहा है दोस्तों, कि जो तरीका इन ड्राइव ने कर रखा है, जो तरीका ब्लू स्मार्ट ने तरीका कर रखा है, ये दोनों तरीके आपको अब देखने को मिलेंगे ऊबर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ऊबर में अब एक इनबॉक्स में मैसेज आ गया है, सभी भाइयों के पास आ गया होगा, जिनके पास नहीं आया तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, या आप पढ़ लीजिए, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था और मेरे पास, मैं चेक नहीं किया अभी, बट मैं समझ गया था, ये 2 महीने पहले मुझे पता चल गया था ये चीज़ होने वाली है। तो ऊबर ने आप दे दिया है कि नया फीचर्स भी है, एक रेडार नाम का होगा, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारी बुकिंग्स दिखाई देगी और उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है आपको कौन सी बुकिंग्स लेना चाह रहे हो। जैसे सेम चीज़ है जैसे इन ड्राइव में होता है, वैसी इसमें भी अब ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो जिस भी भाई का अभी ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आज से स्टार्ट हो गई है, कुछ ड्राइवरों के पास, ड्राइवर भाई के पास स्टार्ट हो चुकी है, कुछ के पास नहीं हुई, तो वो अपनी ऐप अपडेट कर लीजिए, जिनकी भी नहीं हुई है। देखिए ऊबर जब भी कोई चीज़ लॉन्च करता है तो धीरे धीरे 20% करके सभी ड्राइवरों के पास स्टार्ट करता है, एकदम से सभी ड्राइवर को नहीं देता वो चीज़। तो अभी ये कुछ ड्राइवरों के पास ही आई है, ठीक है, ऑप्शन कि आपको इन ड्राइव जैसा, जैसे इन ड्राइव के पास है वैसी काफ़ी सारी बुकिंग्स दिखेगी, उसमें से आपको एक्सेप्ट करना है। और क्या है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यही है दोस्तों कि जो ये फीचर्स में क्या है कि ब्लू स्मार्ट का भी कवर अप कर रहा है और इन ड्राइव का भी कवर अप कर रहा है। ब्लू स्मार्ट का इसलिए कवर अप कर रहा है कि इसमें एडवांस में ही आप बुकिंग डाल सकते हो अपनी, रात में छोड़ के कि भैया ये टाइमिंग पे मेरे को गाड़ी चाहिए, तो उसमें वही ड्राइवर भाई एक्सेप्ट करेगा जो उस लोकेशन की ट्रिप्स लेगा, और वो ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आप इनबॉक्स की तरफ जाएंगे, अपना मैन प्रोफाइल 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, तब आपको लिस्ट दिख जाएगी, इनबॉक्स आएगा, आप अर्निंग आएगी, अर्निंग के नीचे एक अपॉर्चुनिटी करके होती है, तो उसको आप क्लिक करोगे दोस्तों, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी में वो बुकिंग्स दिखाई देगी। बट इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बट आपको बार बार चेक करना पड़ता है, कहीं की भी बुकिंग्स इसमें आ जाती है, तो आपको देखना है आपको किस साइड की बुकिंग है। तो ये एक ब्लू स्मार्ट जैसा एडवांस में बुकिंग कर देते हैं तो उनकी जानकारी हमें मिल जाती है, कई बार इंटरसिटीज की बुकिंग भी इसमें आती है। तो आप इसमें अपडेट रहिए और चेक करते रहिए। तो अब ऊबर कोशिश यही कर रहा है कि जो भी सिस्टम कस्टमर्स को पसंद है, देखिए इससे क्या होगा, इससे एक तो ड्राइवर को भी थोड़ा सा फायदा होगा,
ठीक है, उसको काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे राइड्स में। बाकी यही है कि देखते हैं इसमें फायदा हमारा होगा या हमारा नुकसान होगा। तो जो भी होगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा। अभी फिलहाल ये राइड्स वाला सिस्टम बढ़िया लग रहा है, या फिर जैसे इसने ऑप्शन दे दिया है कि आप रिटायर, जैसा आपको लिस्ट वाइज काफी सारी बुकिंग्स दिखेगी उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कौन सी आपको बुकिंग लेनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी खींच लिया है। 6:30 बजे निकला था और अभी टाइम हो रहा है, मतलब आपका 9:30 हो चुके हैं, तो 9:30 तकरीबन टाइम हो गया है। और अभी तक का मैं काम आपको बता देता हूँ, अभी तक का मेरा काम जितना भी हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2547 रुपये का मेरा काम है आज का, और इसमें 220 रुपये का टोल है, यूपी चला गया था और यूपी का 120 का और 100 रुपये एमसीडी, तो 220 रुपये टोल है, 2547 का काम है, तो टोटल हो गया आपका 2770 रुपये। तो 2770 रुपये में दोस्तों मेरी जो सीएनजी लगी है वो मैंने डलवाई थी सुबह, तकरीबन 600 रुपये की मैंने डलवाई थी, ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई थी, मतलब अच्छा प्रेशर में मिल गई थी, तो तकरीबन 800 रुपये की सीएनजी मेरी लग गई है, जिसमें मैंने अभी रात में, मैं एम्बियंस मॉल वसंत कुंज था तो वहां से भी मैंने 461 की कल के लिए एडवांस में डलवा ली थी, तो तकरीबन मेरी आप समझ सकते हैं मतलब 700 तक की सीएनजी तकरीबन लग गई है, और मेरे पास अभी 461 की मैंने डलवाई थी, 550 की सीएनजी मेरे पास अभी पड़ी है। तो 2770 के काम में आपका हो गया 700 रुपये की सीएनजी। तो पहले तो 200 रुपये टोल के हम निकालेंगे, 220 रुपये को साइड में रखते हैं, 2550 का काम है, 2550 में 700 रुपये सीएनजी के निकाल लेंगे तो बचेंगे दोस्तों कितने, 1800 रुपये, 1870 रुपये, आप 1900 मान लीजिए, 1900 रुपये का आज की नेट इनकम नहीं कहेंगे। इसमें हमें 300 रुपये वो भी निकालने, गाड़ी का खर्चा, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल, ये 300 रुपये हम गाड़ी का खर्चा निकालते हैं, तो 1900 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1600 रुपये। हाँ, आप जो टोल है उसे भी ऐड करोगे, अपने आपके ऊपर है, मैं ऐड नहीं करता, पर एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1600 और प्लस 220 1820 की नेट इनकम है, ठीक है, बट मैं उसके टोल को हटा देता हूँ तो 1600 ही बचते हैं, तो 1600 रुपये की नेट इनकम है। अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जाके आपकी नेट इनकम आएगी। तो अगर ईएमआई है तो 600 रुपये ईएमआई भी निकाल लो, तो 1000 रुपये कहीं नहीं गए आपके, सब कुछ हट आउट हो गया, बता रहा हूँ दोस्तों। तो ओला उबर में कितनी इनकम है, कितनी हो जाती है, ये सारी जानकारी आपको बताइए, मैं डेली अपनी वीडियो के माध्यम से डेली अर्निंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा शेयर कर देना, जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कितना काम हो रहा है, क्या करें, कैसे काम करें, ओला उबर में नई गाड़ी ले, पुरानी गाड़ी ले, गाड़ी लेना सही रहेगा, बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, बहुत सारे माइंड में बंदे के चलता है। तो ये सारी के सारे मैंने डाली हुई है वीडियो बना के, आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको जो वीडियो देखनी है आप वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।